काले कपड़ों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर देश की सियासत गर्मा गई। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने इसे राम मंदिर से जोड़ दिया, जिस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। कल यानी 5 अगस्त को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरे, लेकिन शाम होते होते इस काले रंग पर सियासी घमासान मच गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने काले कपड़ों में कांग्रेस के प्रदर्शन को राम मंदिर से जोड़ दिया, जिसका समर्थन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास आज उसी का पवित्र दिन। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे, आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रचिन्न रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो, और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है। 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। वहीं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के हमले पर पलटवार करने में प्रियंका गांधी ने भी देरी नहीं की और उन्होंने भी भगवान राम का ही सहारा लिया। प्रियंका ने रामचरितमानस का दोहा ट्वीट कर लिखा कि जो महंगाई बढ़ाकर दुर्बल जन को कष्ट देता है वह भगवान राम पर वार करता है, जो महंगाई के विरुद्ध आंदोलन करने वालों को मिथ्या वचन कहता है वह लोकनायक राम और भारत के जन का अपमान करता है। दिक्कत की बात यह है कि महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है, बजाय लोगों का समाधान करने के, बजाय दाम कम करने के, बजाय लोगों को हेल्प देने के, सहायता करने के, बीजेपी के ये निहायत ही बेशर्म बयान दिखाते हैं कि आवाज आंदोलन की गूंज रही है और उन कानों पर भी पहुंच गई है जहां पर यूजुअली जूरिंग थी। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को ईडी की कार्रवाई से भी जोड़कर हमला किया। महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है। दावा किया गया कि इस विरोध के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाने के लिए ईडी पर दबाव डाला जा रहा है। मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। बड़ी आबादी ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।